अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया, देखती हूँ क्या करती हूँ आगे। तो इधर मेरी अरिबा खेल रही है। अरिबा अल्लाह बोलना बेटा, बोलो अल्लाह। पापा नहीं बोली, मम्मा। तो मेरी अरिबा का भी मूड नहीं है, है ना अरिबा? चलो ठीक है, बोलो मम्मा, पापा, पापा, बोलो बेटा, बोलो बोलो अल्लाह बेटा। इधर बोलो ना एक बार, चलो फिर से बोलो पापा। नहीं बोलना आपको नानी। मेरी अलीबा को पूरा देखिए, फ्रॉक पहनी है वो। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा, और मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी। तो चलिए सीधा मैं आपको किचन लेके चलती हूँ। तो यहाँ मैंने एक पैन चढ़ा दी है, अब मैं इसमें पनीर को पहले फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मेरे घर में सबको फ्राई किया हुआ पसंद है। तो मैं इसमें ऑयल ऐड करती हूँ। यहाँ ऑयल गर्म हो रहा, तो यहाँ हमारी पनीर फ्राई हो रही है। फ्राई होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पनीर को फ्राई कर ली हूँ, अब मैं इसी में प्याज फ्राई कर लूंगी। तो इतना हो चुका है, तो मैं इसी में अदरक और लहसुन और एक मिर्ची में इसी में ऐड कर दूंगी। इसे भी मैं साथ थोड़ा भून लूंगी। तो ये हमारा हो चुका है, मैं इसे निकाल के ठंडा कर लेती हूँ। तो मैं अब इसे पीस के फिर लेती हूँ आपसे। तो इसी में मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, तेज पत्ता और शुगर का गरम मसाला। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पिसा हुआ टमाटर की प्यूरी। इसे मैं अच्छे से भून लूंगी। मिर्ची पाउडर मैंने ऐड किया, लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मैं भून लूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर। और जीरा पाउडर, ये जीरा पाउडर है, इसे भी मैं अच्छे से मिला लूंगी। तो हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करती हूँ और मैं इसमें डालती हूँ दही, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। इसे भी मैं अच्छे से मिला लूंगी। दही डालते वक्त या तो आप गैस के फ्लेम को कम रखें या फिर बंद कर दें। तो हमारी दही इसमें अच्छे से मैंने इसमें मिला ली है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी।
अब मैं इसमें डालूंगी मिर्च और पनीर। इसे अच्छे से मिला लो। पनीर मसाला भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे धीमी आंच में 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अब आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो देखते हैं मेरे बच्चों कैसा लगता है मेरे बच्चों को। चलो बताइए बेटा खाए। खाओ कैसा दिखा बेटा। मुझसे बोल बहुत टेस्टी है। डिलीशियस। सच में ये देखिए पनीर। मामा हमेशा ऐसे अटेम्प्टिंग रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। चाहे बेटी आप खा के बताओ। मैं तो खाई ही नहीं। आई डू नॉट ईट इट सो दिस इज मोर दिस। मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत से बनाया। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ये आप सबके लिए। अरे वाह ये लो खा। ये देखो पीछे पीछे बेटा पीछे गई सानू। उठा उठा देखो ये बेटा ये लो। ट्राई लग जाए गाइस जाके मेरा वीडियो देखिए। एक बहुत ही वीडियो वायरल हो रहा है। जाके जल्दी से देखिए गाइस। और ये देखो मम्मा मम्मा ये देखो मेरे लड्डू को देखिए कैसे करे जा रही है। चितू बोलो अल्लाह अल्लाह। अरे कैसे देख रही है देखो तो। अरे पापा बोलना बेटा। ये देखो क्या करती है गुंजगो ची ची। इसको देखो नौती हो गई मेरी। देख तो रहा है। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप सब। सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए आज का मौसम काफी अच्छा है फ्रेश है। गाइस कौवे को देखिए हेलमेट पे बैठा है। हाँ ना दिख रहा है क्या। अभी यहाँ था मेरी छुतू के पास। इधर देखिए नहीं मैं स्कूल से आई मुझे कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिला। इस अरिबा दिखा दिए देखो ना कौवा को। माशाल्लाह क्या व्यू है। क्या कर रही हो अरिबा आप ही को मार रही हो। ए वैसे नहीं करते बेटी छोटी है ना ये। मैं अभी पीने लगी हूँ चाय। मेरे अय्याज ने बना के दिया है और वीडियो को अब एंड भी करना है तो वीडियो को एंड कर लेती हूँ। तो गाइज प्लीज़ हमारी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो गाइज़ हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप सबको प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ हमेशा देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय।